हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर, ओके, फ्राइडे का दिन। मार्केट क्लोज हो चुका है। अभी येस बैंक का रिजल्ट आ चुका है, जो कि मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। क्वार्टर टू का रिजल्ट येस बैंक में धमाकेदार दिया है, जो कि हर शेयर होल्डर को यही रिजल्ट की इंतजार था। रिजल्ट तो खूब अच्छा है, हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे और वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तब भी आपको मालूम पड़ेगा रिजल्ट कैसा है, क्या है। और नेक्स्ट डे में आप लोग के लिए येस बैंक का टेक्निकल एक वीडियो बनाऊंगा, हम लोग कैसे हमारा टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते अपना आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हो, तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कमेंट शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़, अगर आप चाहते हो मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तो आपको इधर भी पर डे इंट्राडे बेसिस कॉल प्रोवाइड करता रहता हूँ, साथ ही साथ आप लोग को ये मार्केट रिलेटेड न्यूज़ वगैरह भी हम लोग पोस्ट करता रहता हूँ, आपको सीखने के लिए ईजी रहेगा। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो मेरे साथ में मेरा सपोर्ट ग्रुप में काम करना है, तो आपको क्या करना है, मेरा सपोर्ट ग्रुप में काम करने के लिए आपको मेरे थ्रू में एक अकाउंट, डिमांड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। चाहे आप अलायंस ब्लू हो नहीं तो जीरो था, कोई भी अकाउंट, किसी में भी अकाउंट ओपन करोगे मेरा लिंक थ्रू, तो मैं मेरा सपोर्ट ग्रुप में आपको ज्वाइन करता हूँ, जिधर कि आपको पर डे बेसिस में इंट्राडे कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिधर कि इक्विटी ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉल मिलता रहता है। फ्यूचर कॉल वीकली वन टाइम मिलता है, इक्विटी ऑप्शन कॉल आपको सफिशेंट मिलता है पर डे बेसिस में 3 से लेकर 4 तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो इधर दिया गया मेरा टेलीग्राम जो व्हाट्सअप नंबर है, इधर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आज का दिन का एक बार कारोबार दिखा दूंगा, जिधर कि आप लोग को आज का दिन में येस बैंक में कैसा काम किया है, क्या है। आप लोग को अगर येस बैंक का शेयर होल्डर हो डेफिनेटली आपको मालूम रहेगा, आज येस बैंक ने 5% का अपर सर्किट मारा भी है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, क्लोजिंग हुआ है येस बैंक 13.30 का ऊपर, जो कि 60 पैसे का गेन के साथ, परसेंटेज देखोगे तो 5% का आसपास अपर सर्किट लगा हुआ है। तो प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे फ्रेंड, प्रीवियस क्लोजिंग है 12 रुपीज़ 70 पैसा, जो कि ओपनिंग उधर ही हुआ था, साथ ही साथ हम लोग लो मारे थे 12 रुपीज़ 65 पैसे का ऊपर हम लोग लो भी मारे थे, और हाई ना आज का जो अपर सर्किट का जो ब्रांड है उधर ही हम लोग आज आपने हाई भी मारा है, और हाई जो है वही है हमारा आज क्लोजिंग प्राइस, ओके। और आज का दिन का एक बार देखेंगे डिलीवरी कैसा किया गया है। आप देख सकते हो आज का दिन में ट्रेडिंग बहुत ही हुआ था येस बैंक में, जो कि 7,31,35,761 का क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, उसमें से परसेंटेज आप देखोगे 54% का आज डिलीवरी गया है येस बैंक में। क्यों ना, कल भी गया था 55 का आसपास डिलीवरी, जैसे कि मैं रेस्टोरेंट वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था, और आज भी सेम टू सेम डिलीवरी जा रहा है। तो ये हो गया आज का दिन का कारोबार। हम लोग देखेंगे थोड़ा सा न्यूज, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा जो हम लोग को पीडीएफ का ऊपर, जो कि येस बैंक का जो हम लोग अपलोड किए हैं। तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम ने लिखा है, येस बैंक क्वार्टर टू रिजल्ट पोस्ट कर चुका है, प्रॉफिट में 129 करोड़ दिया है और प्रोविजन में डिक्लाइन है 11% ईयर एंड ईयर बेसिस में। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी इधर थोड़ा नज़र डाल देते, येस बैंक आप फ्राइडे को पोस्ट किया है नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट 129 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर में जो कि पोस्ट किए है, और एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसका एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट। द बैंक हार्ड पोस्ट लॉस 600 करोड़ इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टरली लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में जो पोस्ट किया था रिजल्ट, ये रिजल्ट में बहुत ही शानदार पोस्ट किया है। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ द लेंडर्स टूड
45.44 crore in the current pre-reading quarter ended June quarter. Okay, percentage of gross NPA performing asset NPA जो कि आप बोल सकते हो ग्रॉस और नेट दो प्रकार परसेंट एनपीए रहता है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अब हम लोग देखेंगे द ग्रॉस एनपीए जो है ये लास्ट क्वार्टर मीन्स क्वार्टर वन का था 17.30%, अभी जो क्वार्टर टू का आया है 16.30%। मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हम लोग ग्रॉस एनपीए में भी स्टार मार्क कर लेकर आया है। ओके, मतलब अच्छा रिजल्ट हम लोग पोस्ट किए हैं। उसके बाद नेट एनपीए में हम लोग एक क्वार्टर में पोस्ट किए हैं 4.71% और जून क्वार्टर में हम लोग पोस्ट किए थे 4.96। मीन्स हम लोग एक क्वार्टर में भी क्वार्टर टू में भी हम लोग आज ज़बरदस्त अच्छा रिजल्ट पोस्ट किए हैं। नेट पी एन पी ए भी ग्रॉस एन पी ए नेट एन पी ए में हम लोग धमाकेदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं। बट एन आई आई मीन्स नेट इंटरेस्ट इनकम, आप लोग को मालूम होगा नेट इनकम बैंक का क्या काम है। बैंक का काम है हम लोग से आप लोग से पैसा लेंगे और आपके पास रखेंगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो ये उनका कमाएंगे। अगर उसमें अगर कम है तो आप देख सकते हो डी ग्रो 9.70% ईयर एंड ईयर बेसिस में 1973 क्रोर्स विल बी नॉन इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइन हुआ है जो कि 25% ईयर एंड ईयर बेसिस में। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा और क्या है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसके बाद मार्जिन में आ जाते हैं। ओके, मार्जिन है स्टूड एट 3.1% इन क्वार्टर टू FY21 अगेंस्ट द 2.7% द लास्ट ईयर। आप देख सकते हो नेट मार्जिन में भी कॉस्ट इनकम ऑफ द रेशो डिक्लाइन 49.30% फ्रॉम द 53.40%। ओके, देन हम लोग देखेंगे आज का दिन का, तो हम लोग इधर देख ही लिए जो आज का दिन में 5% का हम लोग इधर आज का दिन का हमारा प्रॉप जो कि हम लोग अपर सर्किट में जाके क्लोजिंग दिए हैं। तो डायरेक्टली चलते फ्रेंड्स, अभी हम लोग वो कैसे रिजल्ट क्या है, कैसा है, कैसा देखना है। जो लोग नए हो वो लोग को मैं बोलूँगा, अगर आप लोग को रिजल्ट कोई भी शेयर का रिजल्ट देखना है आपको क्या करना है ना, सीधा गूगल में टाइप करना है BSE इंडिया, खाली इतना ही टाइप कर दो, आपको ये पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद ये जो जगह आता है, ये जो आता है यही फोल्डर में आपको ये इधर क्या लिखना है, जो कंपनी का नाम आप सर्च करना चाहते हो कंपनी का नाम इधर टाइप करना है। उसके बाद जैसे कि मैंने येस बैंक का टाइप किया था इसलिए येस बैंक का नाम इधर दिख रहा है मेरे। उसके बाद हम लोग सीधा नीचे आ जाने का है, पूरा ग्रांड बॉटम में आने का है, तो इधर देखेंगे अनाउंसमेंट में देखोगे इधर आपको जो करंट डेट का आप देखोगे वो डेट का आपको दिख जाएगा। उसके बाद कॉरपोरेट एक्शन है, ब्लॉक डील है, उसके बाद रिजल्ट है, ये सब इधर मेंशन किया जाता है। ओके, उसके बाद तो हम लोग का जो आज का जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक PDF फाइल ओपन हो जाता है। ओके, जैसे PDF फाइल ओपन होगा तो आप वो PDF फाइल को क्लिक करके आप ये फाइल निकाल सकते हो। आज का मैंने जैसे निकाला है इधर आप लोग को सामने दिखा रहा हूँ। तो आप हम लोग आ चुके हैं हमारा PDF फाइल में, येस बैंक का देख सकते हो आप, ये येस बैंक का ये लेटर है जो कि NSE BSE को सबमिट किया है येस बैंक ने आफ्टर 4:30। देन आज का दिन का डेट देख सकते हो, ये एक फॉर्मेलिटी है, इसके ऊपर हमारा कुछ नज़र नहीं। पेज बहुत ही है, इसमें 15-20 पेजेस रहता है, हमारा जो काम की चीज़ है वही उसके ऊपर नज़र डालेंगे। येस, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। तो हमारा जो काम का चीज़ है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर में इंटरेस्ट ईयर्न, तो बैंक ने कितना इंटरेस्ट ईयर्न किए हैं एक क्वार्टर में, जैसे कि आप लोगों में बताना चाहता हूँ ये क्वार्टर वन सॉरी ओके और ये क्वार्टर टू। तो क्वार्टर वन में था 5548 और क्वार्टर टू में आया 524। मीन्स आप बोल सकते हो मोटा मोटी 25 लाख का इधर हम लोग
घाटा दिख रहा है, मीन्स डिक्लाइन दिख रहा है। तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में हम लोग इधर मार्क आ गए हैं, जो कि हम लोग माइनस रिजल्ट पोस्ट किए हैं। ये हो गया फर्स्ट लाइन। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आएंगे किधर ना, हम डायरेक्टली आएंगे सीधा, ज़्यादा हम लोग इधर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा नेट प्रॉफिट में हम लोग आ जाते हैं। ओके, नेट प्रॉफिट क्या है हम लोग देखेंगे। नेट प्रॉफिट जो कि यही है, ओके, ये क्वार्टर वन है, ये है क्वार्टर टू। तो नेट प्रॉफिट जो था लास्ट क्वार्टर मीन्स जून क्वार्टर का, जून 2020 4544 था। अभी ये क्वार्टर मीन्स सितंबर 2020 में 12937 हो चुका है। ओके, तो हम लोग इधर ज़बरदस्त हम लोग इनकम किए नेट इनकम में, सॉरी नेट प्रॉफिट में। उसके साथ साथ इधर बहुत सारा जो कॉलम है इसमें क्या रहता है, स्टाफ पेमेंट रहता है ना, और एसेट का क्या कैसा रहता है, तुम्हारा जो हम लोग ब्याज देते हैं, सपोज हम लोग का जो फिक्स डिपॉजिट रहता है उसमें कितना इनकम करते हैं, और वो लोग लोन देते हैं लोन में कितना इंटरेस्ट आता है, इनकम आता है, ये सब एक एक कॉलम में ऐसा परसेंटेज लिखा रहा है। इसको हम लोग इतना नहीं देखेंगे, हमारा जो काम की चीज़ है उतना ही देखेंगे, ख़त्म करेंगे। तो लास्ट हम लोग आते थे इधर एनपीए का जो रेशियो का ऊपर। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही काम का चीज़ है, यही डिसाइड करता है आपका कंपनी कैसा है। तो ग्रॉस एनपीए फर्स्ट कॉलम है फ्रेंड्स, सेकेंड है नेट एनपीए, और थर्ड है ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज, फोर्थ है नेट एनपीए का परसेंटेज। ये हमारा ये चारों कॉलम हमको देखना है। तो हम लोग थोड़ा आगे आ जाते, यस चारों कॉलम हमको देखना है। यही है हमारा टेबल, ये है क्वार्टर वन, सॉरी ये क्वार्टर वन और ये क्वार्टर टू, राइट। तो हम लोग देखेंगे ग्रॉस एनपीए फर्स्ट देखेंगे। ग्रॉस एनपीए जो कि जून क्वार्टर में था 3270 था, ये क्वार्टर में हो गया है 3234। मतलब एनपीए भी ग्रॉस एनपीए भी हम लोग अब पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज हम लोग देखने को जाएंगे, एक मिनट में थोड़ा निकाल देता हूँ, परसेंटेज करेंगे। यस, परसेंटेज ये है ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज, जो कि जून क्वार्टर में था क्वार्टर वन, ये क्वार्टर टू, जून क्वार्टर में था 17.30 था, और अभी सितंबर क्वार्टर में गया 16.90। बहुत ही शानदार है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस एनपीए में। तो नेट एनपीए क्या आ जाते हैं देखेंगे। नेट एनपीए के लिए हम लोग आएंगे ये लाइन नेट एनपीए का। तो ये जो जून क्वार्टर में था 815, और ये अभी जो सितंबर क्वार्टर मींस क्वार्टर टू का 786, मींस नेट एनपीए में भी हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि इधर परसेंटेज हम लोग इधर देखेंगे। ये जून क्वार्टर का था 4.96 और ये हो गया सितंबर क्वार्टर 4.71। मींस आप टोटली हम लोग एनपीए के मामले में येस बैंक ने 100 out of 100 का रिजल्ट पोस्ट किया है, तो बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। और ये सब देखे मोटा मोटी मैं बोलूँगा, येस बैंक में जो हिसाब से रिजल्ट पोस्ट किया है इसमें हम लोग इसको पॉजिटिव साइन देखेंगे। ये पॉजिटिव साइन का एक निशाना है, जो कि मंडे के लिए हम लोग देख कर चलेंगे। मेरे को नहीं लग रहा है कि इस ये रिजल्ट को ऊपर लेकर कोई एनालिसिस कि कोई ब्रोकरेज हाउस कि कोई इन्वेस्टर इसमें दुखी होना चाहिए, मीन्स सैड होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है ये रिजल्ट ख़राब है। तो देखेंगे मंडे को क्या होता है, फिर भी मैं आप लोग के लिए कल पोस्ट करूँगा चार्ट एनालिसिस एस बी एन का, साथ साथ हम लोग डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय भारत।